हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट हिया एकेडमी। मैं बाय रूपा कुमारी। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। तो लास्ट क्लास में हमने किए थे बेसिक्स, बेसिक्स के लास्ट ईयर क्वेश्चंस, और आज हम करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अब से पहले अगर दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर हम पढ़ते हैं तो बेटर समझ में आता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज वॉच लास्ट वीडियो। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या है, हम बनाते हैं एक सर्कल, ठीक है? ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, ये सेंटर हो गया O, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं P, P को O से मिलाएंगे और ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। दिस इज पॉइंट A, दिस इज एंगल 90, और ये एंगल ऐड कर लेते हैं हम थीटा। अच्छा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट पर वाई डिस्टेंस। तो पॉइंट पी क्या होगा, एक्स वाई, पॉइंट पी क्या होगा, एक्स वाई। अच्छा, अब हमें बताना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पर हाइपोटेन्यूस क्या है, OP इज रेडियस R, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, रेडियस R। तो दिस इज साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, रेडियस आर। दिस इज कोस थीटा। अब हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, आर आर से कैंसिल, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर फिगर से निकाल रहे हैं हम तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, y कोऑर्डिनेट, और बेस क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट। तो y by x क्या हो गया, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ऐसे हम निकाल सकते हैं cos थीटा, secant थीटा एंड cot थीटा। अब इसके बाद ये है हमारा थीटा, ये हमारा 90, तो ये क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है? और हमने इसको कर दिया रोटेट, हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा यहां पर, हम इस एंगल को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस 90 माइनस थीटा के सामने वाली डिस्टेंस क्या थी, x, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली डिस्टेंस x हो गई, और थीटा के सामने डिस्टेंस क्या थी, y, तो थीटा के सामने डिस्टेंस क्या हो गई, y। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, y और x। अब इस वाले फिगर के अंदर हमने निकाला था साइन थीटा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा क्या था भाई, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर था। अब वाई कोऑर्डिनेट की जगह क्या है, वाई कोऑर्डिनेट की जगह क्या है, एक्स, आर की जगह आर, और x by r क्या था, x by r क्या था, cos theta, तो sin 90 minus theta क्या बन गया हमारे पास, cos theta, derivation है, अब cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, base upon hypotenuse, ये क्या था, x coordinate, x कोऑर्डिनेट
क्या हमारा हाइपोटेन्यूज। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर, वाई, वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर क्या होगी साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा आया हमारे पास, कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा आया। अब हम करते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास y, और x अपॉन y क्या बनेगा cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या बना cot थीटा। अब ऐसे ही अब हम निकालेंगे ये पूरा कंप्लीट, एक बार आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा कैसे आते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लास्ट ईयर आए हुए, ठीक है। अब हम करेंगे 90 प्लस थीटा का डेरिवेशन, कि 90 प्लस थीटा कैसे आता है, याद तो आपको सबको होगा लेकिन कैसे आता है ये आपको नहीं पता होगा, तो अब हम करेंगे ये। अब 90 प्लस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है 90 प्लस थीटा, ये क्या हो गया 90 प्लस थीटा, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए यहां पर, पॉइंट आ गया P, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ये 90 प्लस थीटा कैसे बना भाई, ये क्या है 90 और ये क्या है थीटा, तभी तो ये 90 प्लस थीटा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, तो ये 90 प्लस थीटा, ये 90 ये थीटा। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, लेकिन हमें तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अब जो हमने स्टार्टिंग में फिगर बनाया था उसके अंदर हमने ये वाला थीटा लिया था, ये वाई ये एक्स, तो थीटा के सामने वाली डिस्टेंस क्या थी वाई, तो थीटा के सामने वाली डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट लिया था ना हमने एक्स, लेकिन इसको हमने थीटा के सामने है तो हम इसको वाई लेंगे, और ये क्या हो जाएगी फिर हमारी एक्स। अब ये वाई प्लस की होगी या माइनस की, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस का, तो ये हो जाएगी माइनस वाई, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए माइनस वाई और एक्स, और एक्स तो जीरो से ऊपर है तो प्लस वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स किसका रहेगा प्लस का। अब यहां से हम निकालेंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, आर क्या है सेम, तो एक्स अपॉन आर क्या होता है कोस थीटा, एक्स अपॉन आर कोस थीटा। अच्छा अब कोस 90 प्लस थीटा, कोस थीटा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर माइनस वाई, माइनस वाई है ना माइनस वाई अपॉन आर, और वाई क्या होता है वाई अपॉन आर क्या होता है साइन थीटा, और माइनस साइन साथ में, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा अब बात आती है टेन पर, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, y अपॉन x कोऑर्डिनेट होता है, यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है x, और x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस y, और x अपॉन y क्या होता है कोट थीटा, और साथ में माइनस का साइन, तो टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा। ऐसे हम निकालेंगे कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट 90 प्लस थीटा,
पता चला माइनस डेरिवेशन इसका कि कैसे होता है, फिर इसके हम डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे होता है, लेकिन पहले इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। डेरिवेशन आता है तो हमें परमानेंट लर्न रहता है, इसके बाद हम इसकी ट्रिक भी करेंगे कि कैसे आता है। अब हम करेंगे 180 माइनस थीटा, यहीं पर बनाएंगे हम ट्राइंगल। अच्छा ये ले लेते हैं हम थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये इतना 180 माइनस थीटा हो गया ना, ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, लेकिन हमें ये 180 माइनस थीटा मिल गया है। तो अब थीटा के सामने क्या था, वाई, और यहां पर एक्स, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस एक्स, पी के पॉइंट माइनस एक्स एंड वाई, साइन 180 माइनस थीटा, साइन क्या था वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है वाई, तो वाई अपॉन आर क्या हो गया साइन थीटा, वेरी इजी, कोस 180 माइनस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एक्स, और एक्स अपॉन आर कोस थीटा, लेकिन साथ में माइनस का साइन, तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन का क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई अपॉन एक्स, वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एक्स, वाई अपॉन माइनस एक्स क्या हो गया माइनस टेन थीटा, ऐसे ही हम करेंगे 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा ये वाली ये ट्राइंगल कहां बनेगी, ये ट्राइंगल कहां बनेगी 180 प्लस थीटा की, ये बनेगी यहां, ठीक है। अच्छा ये आ गया 180 प्लस थीटा, ये वाला क्या हो गया हमारा थीटा, और थीटा के सामने डिस्टेंस क्या थी वाई, और थीटा के साथ में एक्स, तो एक्स किसका हो गया माइनस का, वाई किसका हो गया माइनस का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा तो यहां से निकाल लेंगे हम, वेरी इजी, साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर माइनस y, r इज r, y अपॉन r क्या होता है साइन थीटा, साथ में माइनस का साइन, ऐसे ही हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर माइनस x अपॉन r, x अपॉन r क्या होता है cos थीटा, साथ में माइनस का साइन, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर माइनस y, x कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, y अपॉन x tan थीटा, समझ में आया। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये पूरा 270 का हो जाता है, ये थीटा ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा की कहां बनेगी, ये आ गया 270 और ये प्लस थीटा, कैसे बनेगी ऐसे, यहां पर क्यों नहीं बनाते हम, हम ट्राइंगल को ऐसे क्यों नहीं बनाते, ये भी तो बना सकते हैं नहीं, फिर यहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट कहां लेंगे, यहां पर लेना है ना एक्स और वाई, यहां सेंटर से लेने हमें एक्स और वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
रिडक्शन फॉर्मूला की हम कैसे निकालते हैं, अब हम बताते हैं आपको डायरेक्टली। ये तो तब है जब कभी आप भूल जाओ, वैसे आप ट्रिक से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा यहां पर लिख लो फॉर रिमेंबर, याद करने के लिए क्या करोगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन की बात करें हम, तो साइन क्या होता है, पहले तो साइन ये लिख लो, जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई होता है ये वाला, पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई, और ये पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, नाइन पाई बाय टू, थर्टीन पाई बाय टू, और ये क्या होता है थ्री पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू, इलेवन पाई बाय टू एंड फिफ्टीन पाई बाय टू। भाई ये जीरो कंप्लीट टर्म लेगा टू पाई, फिर कंप्लीट टर्म लेगा फोर पाई, फिर कंप्लीट टर्म लेगा सिक्स पाई, जीरो से पाई बाय टू, पाई बाय टू से पाई, पाई से थ्री पाई बाय टू, फिर टू पाई, टू पाई प्लस पाई बाय टू फाइव पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू पाई प्लस पाई थ्री पाई, टू पाई प्लस थ्री पाई बाय टू सेवन पाई बाय टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको तो हम लिख सकते हैं टू एन पाई, एन की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो टू पाई, एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो फोर पाई, एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो सिक्स पाई। इसको हम लिख सकते हैं एन पाई, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो पाई, एन की वैल्यू टू पुट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टू एन प्लस वन पाई, एन की वैल्यू वन पुट जीरो पुट करेंगे तो पाई, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे थ्री पाई, एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो फाइव पाई, थ्री पुट करेंगे तो सेवन पाई। इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम फोर एन प्लस वन पाई बाय टू, एन की वैल्यू जीरो पुट करो पाई बाय टू, वन पुट करेंगे तो फोर प्लस वन फाइव पाई बाय टू, फोर एन प्लस टू पुट करेंगे तो एट, एट प्लस वन नाइन पाई बाय टू। इसको क्या लिखेंगे हम, थ्री पाई बाय टू सेवन पाई बाय टू, किसका डिफरेंस है इसके अंदर, इसके अंदर भी फोर एन का डिफरेंस है। देखो ये फोर एन, एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्या चाहिए हमें थ्री, तो फोर एन प्लस थ्री लिख लो पाई बाय टू। इसमें देखो फोर, यहां में पाई बाय टू चाहिए, फोर का डिफरेंस है, सब में फोर फोर का डिफरेंस है, तो फोर के साथ एन लगा दिया, पर जीरो एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो पाई बाय टू। ऐसे यहां भी फोर फोर का डिफरेंस है तो हमने फोर एन तो लेना ही है, साथ में फर्स्ट वाली टर्म थ्री पाई बाय टू, यहां पर किसका डिफरेंस है टू टू का, तो हमें टू एन तो लेना ही है, यहां पर कितने का डिफरेंस है टू टू का, लेकिन ओड है तो टू एन प्लस वन कर दिया हमने, जितने का डिफरेंस हो उतने का मल्टीपल ले लेते हैं। तो ये डायरेक्ट पता चल गया आपको, जहां पर फोर एन प्लस वन पाई बाय टू का मल्टीपल है तो वैल्यू यहां मिलेगी। इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं साइन की वैल्यू, साइन कोस किसी की भी वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, टेन थ्री पाई बाय टू माइनस टेन थर्टी नाइन पाई बाय टू, थर्टी नाइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी है, कैसे बताओगे, कहां लाइक करता है ये फोर एन प्लस, देखो पाई बाय टू तो है हमें पता है, ये तो यहाँ तो ये होगा या फिर ये होगा, अब हमें ये नहीं पता ये पाई बाय टू वाली लाइन है या थ्री पाई बाय टू वाली लाइन में, तो हम कैसे पता करेंगे। अब ये देखो ये फोर एन प्लस थ्री है या फोर एन प्लस वन है, थर्टी सिक्स फोर से डिविजिबल होता है, तो ये क्या है फोर एन प्लस थ्री, तो फोर एन प्लस थ्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टेन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं,
क्योंकि हमें पता चल गया ये इस वाली रेंज में है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 39 पाई बाय 2 को 3 पाई बाय 2। और tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। आ गया हमारे पास तुरंत आंसर। नहीं तो इसको हम करते रहते, पाई बाय 2 ऐड करें, पाई करें, कितना मल्टीपल होता है कैसे डायरेक्ट पता चल गया इससे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट आंसर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में कॉस, ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर टेन थीटा पॉजिटिव, यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव। अब आपने बहुत सुना होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टाइम में बहुत याद किया होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक, इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोसिकेंट थीटा एंड सिकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये और ये क्या, कि कौन सी लाइन पर पाई बाय टू होगा, कौन सी पर थ्री पाई बाय टू के मल्टीपल होगा, कौन सी पर टू पाई का मल्टीपल होगा, किस पर पाई वाला मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अब इसके बाद एक चीज और आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेडियन की वैल्यू। वन रेडियन किसके इक्वल होता है? वन रेडियन की वैल्यू 57 पॉइंट समथिंग 12 डिग्री होता है, तो हम इसको ले लेते हैं वन रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, वन रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, टू रेडियन इज इक्वल टू 114 डिग्री, थ्री रेडियन इज इक्वल टू 171 डिग्री, फोर रेडियन इज इक्वल टू 228 डिग्री, फाइव रेडियन इज इक्वल टू 285 डिग्री। ऐसे हम सारे निकाल लेंगे, वन रेडियन, टू रेडियन, थ्री रेडियन। अच्छा, तो अब आपको ये बताने हैं कि साइन वन रेडियन साइन वन डिग्री से ग्रेटर होगा या लेस होगा। साइन वन रेडियन लगभग किसके इक्वल है, ये ट्रू और फॉल्स बताओ। साइन वन रेडियन साइन 57 डिग्री और ये साइन वन डिग्री, साइन 57 डिग्री की वैल्यू ऑब्वियसली बात है ग्रेटर होगी, साइन जीरो क्या होता है जीरो, और साइन 90 क्या होता है वन, तो जीरो से वन इंक्रीज हुई वैल्यू, तो साइन 57 की डिग्री, 57 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। अच्छा, कोस 1 रेडियन की वैल्यू कोस 1 डिग्री से लेस होगी या ग्रेटर होगी? अब देखो, कोस 1 रेडियन 57 डिग्री, कोस 1 डिग्री, अब कोस की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, 0 पे क्या होती है 1 और पाई बाय 2 पर 0, तो वैल्यू क्या हुई डिक्रीज, वैल्यू डिक्रीज हुई, तो 57 वैल्यू कोस 57 डिग्री की वैल्यू क्या होगी कम, और कोस 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर। तो साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री एंड कोस 1 रेडियन इज लेस देन कोस 1 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं।
रेडियन इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट? साइन 4 रेडियन, 4 डिग्री, 4 रेडियन, 4 रेडियन किसके इक्वल होगा? 57 डिग्री. साइन 4 मल्टीप्लाई 57 क्या होगा? 228 डिग्री. 228 कहाँ आएगा? यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270. 228 डिग्री लगभग यहाँ आएगा. तो साइन की वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेन पॉजिटिव. साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? नेगेटिव. और नेगेटिव जीरो से ग्रेटर देन नहीं होती. क्या होती है? जीरो से लेस देन. तो ये क्या होगी हमारे एजम्पशन? रॉन्ग. ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. कोस 5 रेडियन की वैल्यू ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी 1. कैसे निकालेंगे? कोस 5 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है. तो 5 रेडियन किसके इक्वल होगा? 285 डिग्री. अब 285 देख लो कहां आता है, कहां आता है 285? 0, 90, 180, 270, 285 इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में. और फोर्थ में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इजी है ना? बस एक चीज याद रखनी है, कोस 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री. अब बस एक लास्ट और बचा है, वो और हम कर लेते हैं. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1. और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1. कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा की कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1. अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3 है, देन तो हमें बताना क्या है? कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 इज इक्वल टू क्या होगा? ये केवीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम कितना ही सॉल्व कर ले, लेकिन हमारे पास ये सॉल्यूशन मिलेगा नहीं विदाउट ट्रिक. देखो, मैंने बताया था साइन थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती. अब 1 1 1 तभी 3 आ सकता है, 1 से कम ऐड करेंगे तो 3 आ ही नहीं सकता. किसी थीटा 1 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी लेस ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं चलो, तो ये 2.5 आएगा. 3 तभी पॉसिबल है तब साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 1. सारे 1 1 1 हो तो ही पॉसिबल है. अब सारे 1 1 1, अब साइन थीटा 1 1 कब होगा? 90 डिग्री पर. तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू पाई बाय 2. पाई बाय 2 पर ही होगा ना 1. और कोस पाई बाय 2 क्या होता है? 0. तो थीटा 1 जीरो 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 क्या होगी? कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 इज इक्वल टू 0. आंसर इजी है ना? ओरली क्वेश्चन है, करने की तो जरूरत ही नहीं है.
ये था हमारा साइन थीटा मिनिमम और मैक्सिमम पर क्वेश्चन। तो आज के लिए यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए। कल हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट क्लास के लिए। और ये क्लासेस टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीजीटी के अंदर इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीजीटी के अंदर इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होगी, हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आएगी। आपकी लाइन एंड एंगल्स में भी आएगी ट्रिग्नोमेट्री, आपकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी क्लास 4, जो नेक्स्ट क्लास आएगी नेक्स्ट डे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप देख सकें वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।